नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं कि 28 साल बाद होली पर बनेगा शनि का दुर्लभ योग। इन राशियों को होने वाला है बहुत ज़्यादा फायदा, यानी कि उनकी चमकेगी किस्मत। आइए जानते हैं, इस साल गुरुवार 1 मार्च 2018 की रात होलिका दहन होगा और अगले दिन यानी कि शुक्रवार 2 मार्च को होली खेली जाएगी। ज्योतिष के नज़रिए से इस साल होली पर एक विशेष योग बन रहा है। इस बार की होली पर शनि धनु राशि में रहेगा। इससे पहले 1990 में योग बना था ये। 28 वर्षों बाद शनि देव गुरु बृहस्पति की राशि में है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि होली पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, इसका स्वामी शुक्र है। इस नक्षत्र में जब चंद्रमा सिंह राशि में होता है तब ये पर्व मनाया जाता है। इसी के कारण वसंत ऋतु का भी आगमन होता है। 2018 की होली व्यापार के लिए बड़ी लाभदायक रहेगी। मंदी का दौर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। लोगों की आय में वृद्धि होने के संकेत भी हैं। आइए जानते हैं कि आपकी राशि के लिए कैसी रहने वाली है ये इस बार की होली। मेष, भावनात्मक और आर्थिक सुरक्षा जरूर महसूस करेंगे। सोच में बड़े बदलाव आ सकते हैं। आसपास का वातावरण अच्छा रहेगा। लक्ष्य पर ध्यान देने से लाभ होगा। चंद्र का गोचर पंचम रहेगा, जिससे आपके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। यात्रा का योग बनेगा। इसके बाद नंबर आता है कि क्या करें। गणेश जी को मिश्री का भोग लगाएं, आपको फायदा होगा। इसके बाद दूसरी राशि है वृषभ। चतुर्थ चंद्र और मंगल की दृष्टि से आर्थिक लाभ होने का योग बन रहा है। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। घर से कहीं दूर जाना पड़ सकता है। अचानक किसी बड़े काम में सफलता मिल सकती है। जमीन संबंधी मामले पक्ष मजबूत होंगे। क्या करें, दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाएं। मिथुन राशि, जी हां, आपकी राशि का स्वामी बुध नवम और चंद्रमा तृतीय रहेगा। प्रसन्नता बढ़ेगी, धन प्राप्ति का योग बनेगा, कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी। इस राशि के सभी मित्र ग्रह अच्छी स्थिति में होने से समय अच्छा रहेगा। लक्ष्य साधने में सफलता मिलेगी। पुरानी संपत्ति के मामले में भी आपको लाभ होगा। अब क्या करें इस पर ध्यान दीजिए। शिवलिंग पर आप दूध चढ़ाएं। कर्क राशि, आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में रहेंगे। जी हाँ, समय पहले से अच्छा रहेगा। स्वयं पर ध्यान देना होगा। संबंधों का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस माह के अंत से कुछ राहत महसूस होगी। आवक में वृद्धि होगी और स्वयं पर भरोसा बढ़ेगा। संतान से सुख प्राप्ति होगी। सुख की क्या करें, हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं और लाल फूल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। सिंह राशि, इस राशि में चंद्रमा का गोचर और राशि स्वामी सूर्य की दृष्टि है। मन के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे और खर्चे भी ज़्यादा हो सकते हैं। बुद्धि कौशल श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन काम का क्रेडिट प्राप्त नहीं होगा। घर वाले भी परेशान रह सकते हैं। पंचमी के बाद में चंद्र का गोचर बदलेगा, जिससे आपको लाभ मिल सकता है। क्या करें ये ध्यान दें आप। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए आपको। इसके बाद कन्या राशि, यह समय संभल कर रहने का है। राशि स्वामी बुध हैं और अभी मित्र राशि में होने से लाभ के आसार बन सकते हैं। परिवार से सहयोग मिलेगा। यात्रा का योग भी है। परिश्रम ज़्यादा करना पड़ सकता है। धार्मिक कार्यों में शामिल होने के योग बन सकते हैं। आप शिव पार्वती जी की पूजा करें, इस बात का ध्यान रखें इस समय पर। अब आइए जानते हैं अगली राशियों के बारे में। अगली राशि है तुला। जी हाँ, गुरु की वजह से स्थिति में सुधार होगा। चिंताएं बनी रहेंगी, लेकिन हिम्मत भी बनी हुई रहेगी। चंद्र का गोचर भी अनुकूलता प्रदान करेगा। सहयोग की प्राप्ति होगी एवं संपत्ति से लाभ होगा। महीने के अंत में चंद्रमा के विपरीत होने से चिंताएँ बढ़ सकती हैं। महत्वपूर्ण काम उसके पहले ही आप कर लें। 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जरूर जाप करें, आपके लिए ये कार्य रहेगा फायदेमंद। वृश्चिक राशि, दशम चंद्रमा की वजह से समय नकारात्मक हो सकता है। चिंताएं अधिक रहेंगी और व्यय भी बढ़ सकता है। पंचमी से भाग्य का साथ मिल सकता है। इसके बाद बाधाएं समाप्त होंगी और विरोधियों को पराजित करने में सफल हो सकते हैं। धन की आवक भी अच्छी बनेगी और निराशा समाप्त होगी। क्या करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। जी हां, इसके बाद धनु राशि, नवम चंद्र रहेगा और मित्र शनि का गोचर हो रहा है। काम की अधिकता रहेगी और
आय भी बनी रहेगी, काम समय पर पूरे होंगे और सहयोग भी प्राप्त होगा। महीने के बीच में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसियों से विवाद का हल होगा। क्या करें इस समय? हनुमान जी को सिंदूर एवं तेल अर्पित करें, आपके लिए शुभ होगा। अगली राशि जान लेते हैं, आइए मकर राशि के बारे में। समय पूर्णतः पक्ष का नहीं है। राशि के मित्र केतु का गोचर होने से कुछ बाधाएं हो सकती हैं। चंद्रमा की वजह से नकारात्मक फल मिल सकते हैं। होली पर चंद्र के अष्टम होने से व्यय की अधिकता हो सकती है और चिंताएं बढ़ सकती हैं। संतान पक्ष कमजोर होगा, योजनाएं विफल हो सकती हैं। क्या करें? रोज श्री राम दरबार का दर्शन करें, इसके बाद दिन की शुरुआत करें। कुंभ राशि, सूर्य बुध और शुक्र का गोचर है, साथ ही चंद्रमा की दृष्टि भी रहेगी, इससे परेशानियां दूर होंगी। किसी मांगलिक कार्य पर खर्च करना पड़ सकता है। आय भी अच्छी बनी रहेगी, यात्राएं ज्यादा होंगी एवं संतान सुख आपको मिलने वाला है। इसके अलावा माह के अंत में कुछ परेशानियां आ सकती हैं आपको, इसीलिए शनिवार को पीपल के पास आप घी का दीपक जलाएं। मीन राशि, होली पर आपकी राशि के लिए चंद्रमा सष्टम रहेगा, ऊर्जा अधिक रहेगी, गुस्सा जल्दी आ सकता है, ज्यादा एक्टिव रहेंगे, धैर्य की कमी भी रहेगी, जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले ले सकते हैं, तीव्र प्रतिक्रिया देने से आपको नुकसान हो सकता है, उन लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आपकी परेशानियां कम करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में क्या करें? आप शिव चालीसा का पाठ करें, हर रोज इस महीने आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।